इज़ वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल बैक साइड मैंने मैनेज़ वेलकम बैक टू माई चैनल माई सेल्फ हिमानी सो अभी जस्ट मैं ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ इट्स फाइव ओ क्लॉक ऑफ इवनिंग पाँच बज रहे हैं अभी शाम के अभी मैं जस्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ अभी होमवर्क वगैरह करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम पड़ा है यार मैं पढ़ती नहीं मैं इतना काम पेंडिंग काम मेरे को रहता है छोड़ो यार गई मैं सोच रही थी कि मैं अभी ड्राइंग रूम में जाऊंगी पढ़ने के लिए क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा अंदर अपने टेबल पे पढ़ने के लिए तो सबसे पहले अभी मैं जाऊंगी ड्राइंग रूम में पढ़ने के लिए उधर ही पढ़ते हैं क्योंकि उधर अच्छी लाइट आती है ना दरवाजे में से तो ड्राइंग रूम में जाने वाली हूँ पढ़ने के लिए उधर ही जाऊंगी केमिस्ट्री के नोट्स बनाने के लिए फिर देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे करना है बट मैनेज कर लेना गाइज आज के विदाउट इंट्रो वाली वीडियो होने वाली है वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिलहाल चलो चलो हे गाइस सो अभी मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में एंड सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुलने वाली हूँ क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छी लाइटिंग आती है और ये साइड वाले सोफे पे मैं बैठने वाली हूँ क्योंकि यहाँ से ना सामने लाइटिंग आती है तो अच्छा लगता है इधर पढ़ाई करने में इसलिए सबसे पहले मैंने अपने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला एंड हेयर आई एम बैग पकड़ के बस मैं जा रही हूँ अपने ड्राइंग रूम में पढ़ने के लिए और अभी मैं सेट कर रही थी टाइमर वगैरह मतलब हाँ मुझे पता लग जाए मैंने काफ़ी देर तक पढ़ी मैं एक एक डेढ़ घंटा यहाँ बैठ के पढ़ी बट मैंने वीडियो ऑफ कर दी क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी और साथ में फिर आधा घंटा हो गया था तो फिर डेड हो जाना था फोन इसलिए मैंने उसके बाद थोड़ी देर चार्जिंग पे लगा दिया था एंड मैंने काफ़ी सारा काम बाहर ड्राइंग रूम में बैठ के भी कर लिया तो अभी मैं कर रही थी अपना रफ कॉपी से उठा उतार रही थी वर्क जितना तो तो मुझे रहता है पेंडिंग और ना मैं एक और चीज़ आपको बता रही थी गाइज़ कि हमारी जो स्कूल टाइमिंग है वो चेंज होगी है वैसे ही मेरे को तीन बजे छुट्टी होती थी अब मेरे को चार बजे छुट्टी हो रही है दस पंद्रह दिन बाद अब फिर से वो ही टाइम हो जाएगा तीन बजे वाला बट अभी के लिए हमें चार बजे छुट्टी हो रही है और फिर घर में मैं ऐसे ही पहुँच रही हूँ फोर थर्टी फोर फोटी फाइव बस ऐसा ही टाइम मतलब पाँच बजे ही रखो घर घर में पहुँचने का टाइम बहुत लेट हो जाता है बट तीन बजे से लेकर चार बजे तक हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं मतलब जिसका सिलेबस थोड़ा पीछे है हमारा सिलेबस पीछे इसलिए हो गया था क्योंकि पहले जैसे ना इधर हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी अगस्त या सितंबर अगस्त में हुई थी शायद तो उस वजह से हमें नौ दस दिनों की छुट्टी हो गई थी और हमारा सिलेबस दस दिनों में कितना कम्प्लीट हो जाना था तो वो नहीं हो पाया क्योंकि हम घर में ही थे तो उस वजह से हमारी एक्स्ट्रा क्लासेज रखी गई हैं तो अभी मैं बुक्स वगैरह क्लोज करके जा रही हूँ अपने रूम में और अब मैं स्टडी टेबल पे ही जाके पढूंगी तो ड्राइंग रूम में बैठ के मैंने वन एंड वन एंड हाफ आवर के लिए मैं बैठी थी वैसे मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था क्योंकि मेरा फ़ोन में चार्जिंग ही नहीं थी ख़त्म होने वाली थी तो मैंने चार्जिंग कर ली अपने फ़ोन में उसके बाद और अभी मैं अपनी बुक्स वगैरह क्लोज़ करके बॉटल वगैरह लेके सारा अपना ताम झाम ले अपने रूम में आ गई हूँ अब मैं अपने स्टडी टेबल पर ही स्टडी करने वाली हूँ तो नाव अभी मैं बना रही हूँ अपनी टू टू लिस्ट जो जो काम मुझे करने हैं क्योंकि काफ़ी सारे काम हैं तो मैंने सोचा एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं पहले फिर एक एक करके सारे काम करते हैं तो केमिस्ट्री के नोट्स मुझे बनाने को थे बायो का तो डेली होता है और फिज़िक्स के मुझे एक न्यूमेरिकल मैंने छोड़ा था एक डेरिवेशन छोड़ी थी वो मेरे को करनी थी फिज़िकल एजुकेशन का था वो मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगा तो टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं लेंटर पर आई थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए और फिर उसके बाद मैंने खुद के लिए और मम्मा के लिए बनाई चाय क्योंकि मेरा चाय पीने का मन कर रहा था वैसे आई एम नॉट अ टी लवर और हाँ कॉफ़ी लवर मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे को टी या कॉफ़ी दोनों पसंद नहीं है मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे पसंद है जब कर जाता है मन तो अभी मेरा चाय पीने का मन कर रहा था मैंने खुद के लिए और मम्मा के लिए चाय बनाई और अभी मैं चाय बना रही हूँ तो आज की वीडियो मेरी बहुत लेट आई क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी स्कूल टाइमिंग चेंज हो गई है और मेरे को अब टाइम मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी नहीं हो रही यार बट हो रही है प्रॉब्लम क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम चेंज हो जाता है वन आवर का भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है वो तो वन आवर स्कूल में लगता है फिर वन आवर मेरे को घर पहुंचने में लग जाता है तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है साथ में पढ़ाई भी करनी होती है बट अब मैं रेगुलर रहूँगी कुछ दिनों बाद दस पंद्रह दिनों बाद हमारी टाइमिंग फिर से चेंज हो जाएगी वो ये हो जाएगा तीन बजे ही स्कूल ओवर हुआ करेगा तो पुराने वाले टाइम हो जाएगा कुछ दिनों बाद बट फिलहाल के लिए हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा और अभी मेरी चाय बन के रेडी है मैंने ख़ुद के लिए और मम्मा के लिए चाय बना ली है एंड यस हेयर आई एम मैंने चाय वगैरह पी और अभी मैं जा रही हूँ फिर से पढ़ाई करने के लिए तो अभी इट्स कैनली सिक्स ट्वेंटी फाइव और अभी मैं पढ़ूँगी बायो का बायो के मैं नोट्स बनाने वाली हूँ क्योंकि मैंने सोचा डेली कॉपी चेक होती है ना बायो की तो बायो की तो बनाने ही पड़ते हैं तो सबसे पहले अभी मैं बायो के नोट्स बना रही हूँ चैप्टर नंबर सेवन और जो हमारा चैप्टर नंबर सेवन है उसके मैं कर रही थी एविडेंसेस इन फेवर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी उसके बारे में मैं लिख रही थी उसके एविडेंसेस और साथ में हमारी ये जो एवोल्यूशन चैप्टर है ये वाला भी फिनिश होने वाला है और इसका टेस्ट होने वाला है फ्राइडे के दिन फ्राइडे के दिन मैम ने बोला कि इसका टेस्ट होगा तो इसकी भी मुझे प्रिपरेशन करनी है अभी एंड फ्राइडे के दिन इसका टेस्ट होने वाला है तो इसके लिए भी मुझे तैयारी करना पड़ेगी और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है एवोल्यूशन इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर एट स्टार्ट होगा एंड यस yes, तो कुछ लोग बोल रहे थे ना कि जो पी ब्लॉक है या सेवन चैप्टर है केमिस्ट्री का जो भी है बायो के भी थोड़े बहुत कट हुए हैं आई नो बट वो एन से तो कट हो गया है बट हमें अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है हम जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है मेरा स्टेट बोर्ड है और हाँ तो अभी हमें पढ़ना पड़ रहा है अगर बाद में कहीं वो आ गया चैप्टर और मैंने नहीं पढ़ा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरा स्टेट बोर्ड है और हमारे लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है सी वालों के लिए वो कट हो चुका है तो हाँ हम पढ़ रहे हैं अभी इन चैप्टर्स को भी फिलहाल के लिए अभी मैं बना रही हूँ बायो के नोट्स और आज बायो के नोट्स भी इतने ज़्यादा बनाने को थे साथ में पेंडिंग काम भी था आज आज कुछ ज़्यादा ही थे बायो के नोट्स बनाने को भी साथ में तो अभी मैं बना रही हूँ बायो के नोट्स तो अभी इट्स कमली सैवन फाइव सात बज के पाँच मिनट हो रहे हैं अभी और मैंने बायो के नोट्स बना लिए हैं ये रहा डिफरेंस नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में इसको मैं बाद में कर लूँगी डिफरेंस को ये मैम ने दिया था और इसके साथ मैंने सारे जितने भी मुझे नोट्स थे बनाने के वो मैंने कम्प्लीट कर लिए और इसके डायरेक्ट बाद मैंने स्टार्ट कर दिया केमिस्ट्री के, के नोट्स बनाना क्योंकि केमिस्ट्री का मेरे को पेंडिंग था तो मैंने सीधे इसके बाद केमिस्ट्री का स्टार्ट कर लिया और अभी मैं बना रही हूँ केमिस्ट्री के नोट्स काफ़ी ज़्यादा थे और अभी मैं किस चैप्टर अभी मैं एट्थ चैप्टर जो हमारा है ना एट्थ चैप्टर क्या है यार डी और एफ ब्लॉक जो हमारे डी और एफ ब्लॉक है केमिस्ट्री का वो मैं अभी इसके नोट्स में अभी बना रही हूँ और साथ में मैं सुन रही थी गाने और मेरे को ना गाने वैसे मैं यूट्यूब पे नहीं सुनती हूँ स्पॉटीफाई पे सुनती हूँ बट अभी मैं यूट्यूब पे सुन रही थी और मेरे को कहीं अच्छा सा गाना ही नहीं मिल रहा था मैं बार बार चेंज करी जा रही थी चेंज करी जा रही थी बट हाँ मैंने कर लिया चेंज करते करते ही होमवर्क भी तो काफ़ी सारा होमवर्क था बट मैंने कम्प्लीट कर लिया सारा का सारा जितना भी मुझे था वो सारा मैंने कर लिया आठ दस पेज थे मुझे करने को दस बारह पेज थे आठ दस नहीं बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह सोलह पेज थे तो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए जितने भी मुझे थे रफ कॉपी से नोट करके और साथ में मैं, मैं गाने भी सुनती रही तो हाँ फाइनली मेरा कंप्लीट हो गया एंड या गाइज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू एन्जॉय वॉचिंग दिस वन इफ यू इट दैन डोंट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय